हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नाइपर एस्पिरेंट। नाइपर के रिजल्ट आ चुका है 2023 का। अब नाइपर रिजल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस है, इसको लेकर वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। कि इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे द सीट मैट्रिक्स फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम एट 7 नाइपर्स। सीट इंक्रीज होने के साथ साथ कौन कौन से इफेक्ट होते हैं एक सब्जेक्ट में, कट ऑफ कितने तक जाएगा, ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स है, ये कोर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कोर सब्जेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन कोर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कोर सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट जिसमें आते हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री इन केस ऑफ नाइपर, फार्मा एनालिसिस आते हैं इसमें। ठीक है, और हमारा आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स आता है, इसको हम लोग फार्माकोग्नोसी भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ आते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये सारे कुछ कोर्सेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर सब्जेक्ट। ठीक है, कोर सब्जेक्ट मतलब हम लोग कोर फार्मा के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको लेकर, किसी भी एक को लेकर आगे जाएंगे। और नॉन कोर सब्जेक्ट्स क्या है, नॉन कोर मतलब कुछ जहाँ पे फार्मा मिक्स है, कुछ और मिक्स है। ठीक है, कुछ और लाइन से हम लोग जा सकते हैं या फिर कुछ और लाइन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फार्मा के साथ साथ, जो फार्मा इंडस्ट्री में आइदर हेल्प करते हैं या फिर फार्मा इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉन कोर सब्जेक्ट है क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपको आयुर्वेद देखने को भी मिलेगा और उसके साथ साथ लाइक आपको फार्माकोग्नोसिस भी मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे आपको पहले तो टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना है, रेगुलेटरी अफेयर्स या रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है और फार्माकोलॉजी भी पढ़ना है। उसके साथ साथ हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक का आपको पता ही है, बायोटेक का अपना एक लाइक डिपार्टमेंट है। उसके साथ साथ कुछ लाइक फार्मा भी आप लोग पढ़ेंगे, राइट। उसके साथ साथ रेगुलेटरी अफेयर्स में आप लोग रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। फार्मा को इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे आपको लाइक काइनेटिक्स मतलब के ऊपर फार्मा का इंक्लूड है, डेटाज के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको तो फार्माकोलॉजी के रिलेटेड बहुत कुछ मिलेंगे। बट ये एक अलग लाइन पे आपको ले जा रहे हैं, एक अलग लाइन से रिलेटेड को रिलेटेड है, राइट। तो मिक्स अप जो कोर्सेज है उनको हम लोग बोलेंगे मेनली यहाँ पे नॉन कोर सब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नॉन कोर्स के आपको वैरायटी मिलेंगे फार्म जो नाइपर हमारा मोहाली है। नाइपर मोहाली में सबसे ज़्यादा हमारे जो ये है वैरायटीज़ मिल जाएंगे, मतलब सारे कोर्स एक्चुअली मिनिमम टू मैक्सिमम सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स की, तो एमएस फार्म इन मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आप लोग देखोगे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हर एक इंस्टीट्यूट के वाइज अगर देखोगे तो ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट लाइक चाहने वाले एक सब्जेक्ट है सभी का। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अहमदाबाद एंड हैदराबाद, मोहाली, सासनगर, ठीक है, इन तीनों में आपको 24, 15 और 27 सीट्स इन्हीं में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको गुवाहाटी में मिल जाएंगे 18 सीट्स, 19 मिल जाएंगे कोलकाता में, और रायबरेली का सीट 30 हुआ इस बार। टोटल सीट जो है हमारा 133 है। ठीक है, तो लाइक यहाँ इसका जो कट ऑफ्स वगैरह है उसके रिलेटेड भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाला है कि कौन से कट ऑफ्स में आपको क्या अच्छा मिल सकता है। उसके बाद कट ऑफ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं, राइट। उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। एनालिसिस में आपको हर एक पे 24, गुवाहाटी में 27, हाजीपुर में 16, हैदराबाद में 15, कोलकाता में 12, रायबरेली में कोई सीट नहीं है और सासनगर में 9 सीट मिल जाएंगे। रायबरेली का सीट थोड़ा सा कम है यहाँ पे, तो टोटल सीट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 103। तो बहुत अच्छी एक बात है क्योंकि यहीं पर हमारा जो कोर सब्जेक्ट्स को अगर आप लोग टोटल समझोगे तो 133 हो गया हमारा कोर सब्जेक्ट में टोटल हो गया हमारा फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट्री, प्लस 103 हो गया हमारा सीट फॉर द लाइक फार्मा एनालिसिस। अब टॉक्सिकोलॉजी कोलॉजी की बात करें तो 24 अहमदाबाद, 23 गुवाहाटी, 18, 20, 29 बहुत सारा सीट्स है, लाइक 152 इस बार सीट्स हुए हैं। ठीक है, पिछले साल के हिसाब से तो फार्माकोलॉजी में आपको मिल रही है, तो टोटल अभी तीन सब्जेक्ट देखो हुआ 133, 103 एंड 152, तीनों मिला के हो गया हमारा 388 सीट्स। ठीक है, जितने सीट्स हो रहे हैं उतने स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोगों को किसी भी नाइपर में कोर चाहिए तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 388 सीट्स हमारे पास हो गया बस तीनों को मिला के। अभी हम लोग चलते हैं फार्मास्यूटिक्स की तरफ, तो स्यूटिक्स में हम लोगों को 24, 25, 16, 20, 20 एंड 30 इस बार रायबरेली का सीट 30 हुआ है इस बार फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स बोथ।
ठीक है, और सासनगर में हमारा है 23, तो हम लोग कुल मिला के तो हो गया हमारा 158 अनादर। तो स्कोर अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हो गया हमारा अभी तक का 546, ठीक है, 546 हमारे पास हो गया कोर सब्जेक्ट में हर एक नाइपर में। आप देखो वो पिछले कुछ साल थे जहाँ पे हम लोग बात करते थे कि रायबरेली अच्छा नहीं है, हाजीपुर में कुछ ऐसा नहीं है, अब वो दिन गए, अब जो भी नाइपर मिलेगा हम सबको लेना है, ठीक है। फाइनली हमारा जो मोटिव है वही रहता था 2021 तक कि हम लोगों को सबसे पहले तो मेरे 20 तक रहता था कि हम लोगों को बस मोहाली मिल जाए बस। उसके बाद हुआ कि हैदराबाद मोहाली दोनों ही टॉप है, अहमदाबाद उसके बाद टॉप हुआ 2021 की जो टाइम था, उसके बाद लाइक somehow 2022 में गुवाहाटी बहुत फेमस हो गया, गुवाहाटी सबको चाहिए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब इस साल क्या हो रहा है कि रायबरेली जैसे देख रहे हो आप लोग सीट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो सीट इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब वैल्यूज इंक्रीज़ हो रहा है। मैं सीट इंक्रीज़ तभी कर पाऊँगा एज ए कॉलेज जहाँ पर मेरा फैकल्टीज़ अच्छे गेन होंगे, रिसर्च फैसिलिटीज़ गेन होंगे, तो ग्रो करते करते अब ये बहुत अच्छे हो गए हैं बोथ द रायबरेली एंड हाजीपुर। तो आप लोगों को अभी नाइपर छोड़ना नहीं है, नाइपर मिले तो हम लोग को नाइपर में जाना है, भले ही वो नाइपर लोग कैसे भी बोले बाहर से कि हाजीपुर अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, हमारा टारगेट रहेगा मोहाली हैदराबाद, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, जैसा रैंक करोगे वैसा ही मिलेगा, तो वो रैंक हम लोग कर चुके हैं, अब जो मिलेगा वो लेंगे हम लोग। उसके बाद है फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स में जैसे कहा 158, राइट, तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब कौन सा सब्जेक्ट बचा है यहाँ पे, नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोगों का 50 टोटल हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारा बचा है, राइट। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको अहमदाबाद में 18 मिल जाएगा, गुवाहाटी हाजीपुर में तो है नहीं, हैदराबाद में मिल जाएगा 9, कोलकाता में 10 और 22 मिल जाएगा आपको यहाँ पे सासनगर में। तो हो गया हमारा अनादर 59 सीट, ठीक है। तो ये जो सीट्स हो गया हमारा यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल सीट हमारा हो गया यहाँ पे 605, 605 सीट्स हो गया बस। आप लोग समझ लो यहाँ पे कोर सब्जेक्ट में, तो कोर में टोटल सारे नाइपर्स को मिलाकर 605 सीट्स हैं, तो मतलब 605 स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। उसमें से अभी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है, मतलब सारे को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो मान के चलो अभी कि अगर आपके 300 के 400 आपके पास रैंक है एज जनरल, तो आपको मिलने के कुछ चांसेस है, अप्लाई करना है आप लोगों को, वेट करना है, ठीक है, लास्ट तक, और उसी हिसाब से आप थोड़ा सा काउंट कर लो 100-200 और इंक्रीज़ करके फॉर एस सी एस टी, उनके लिए रैंक कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है, ठीक है। तो 605 मतलब 600 रैंक हो गया हमारा यहाँ पे बस कोर सब्जेक्ट्स में, ठीक है, मतलब 600 स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, ओके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलेंगे लाइक नॉन कोर सब्जेक्ट्स की तरफ। तो नॉन कोर सब्जेक्ट में देखने लायक जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि समझ लो हम लोग सबसे पहले एमएस फार्म की बात कर लेते हैं, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, फार्मा रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट है एक, एंड यहाँ पे बायोटेक सब्जेक्ट है, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स है और रेगुलेटरी अफेयर्स है। इसमें से रेगुलेटरी अफेयर्स सबसे मैं टॉप मोस्ट आपको प्रेफर करूँगा, 10 सीट से आपको बस मिल जाएंगे हैदराबाद में, 10 सीट लाइक टॉप में अप्लाई करना इसको, मतलब नॉन कोर में अप्लाई कर रहे हो तो रेगुलेटरी अफेयर शुड बी इन टॉप। उसके बाद हमारे हैं कुछ और भी सब्जेक्ट्स है, बायोटेक्नोलॉजी को आप लोग प्रेफर कर सकते हो, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ओके। फार्माकोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको, रेगुलेटरी अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको, टॉक्सिकोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको। ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपको बस 5 सीट्स मिलेंगे बस सासनगर में, जो 5 मिलेंगे ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप लाइक कॉस्मेटिक्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होने का, जॉब प्लेसमेंट होने का बहुत चांसेस है। मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म में आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च मिलेंगे, फार्मेसी प्रैक्टिस मिलेंगे और फार्मुलेटिव फार्मेसी और फार्मा टेक्नोलॉजी इन फार्मुलेशन मिलेगा। तो इस पर 20 आपको सीट्स मिलेंगे, 18 मिलेंगे दोनों में, और यहाँ पे 7 और 9 बाकी में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 27 मिल रहा है सीट आपको, और यहाँ पे 45 फार्मेसी प्रैक्टिस अभी मतलब इसको लेकर थोड़ा रेगुलेशन इश्यूज चल रहा है, तो फार्मेसी प्रैक्टिस को थोड़ा आप लोग अवॉइड कर सकते हो। ऑल तो ऐसा नहीं है कि कोर्स अच्छा नहीं है, बट फार्मेसी प्रैक्टिस को लेकर इंडिया में अब तक कोई अच्छा सा रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेटरी एक्ट और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो इनका अभी मतलब एकदम ही ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है, प्लस वन स्टेज पे अभी ये अब ले सकते हो, फ्यूचर अच्छा है, हो सकता है इंडिया में भी, बट अभी तक कोई उतना अच्छा रेगुलेशंस क्रिएट नहीं हुआ है इंडिया में, होना चाहिए बट नहीं हुआ है। तो क्लिनिकल रिसर्च में 9 सीट है, ये 9 खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोहाली सभी का टारगेट है, क्लिनिकल रिसर्च ही मिले भले, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च भी अभी
टॉप प्रायोरिटी में। आप ऐसा सोचोगे कि एक तो पीजी डिप्लोमा ही कर लेंगे, तो पीजी डिप्लोमा और एमएस फार्म और एम फार्म में बहुत डिफरेंस है, वो भी नाइपर से। टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स में आपका मतलब सॉरी क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्रीज में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मुलेटिव भी ले सकते हो अगर आपके इंडस्ट्रियल में जाने का इरादा है तो। और एमटेक की बात करें तो प्रोसेस केमिस्ट्री है, ये आईसीटी में भी अवेलेबल है प्रोसेस केमिस्ट्री वगैरह, तो प्रोसेस केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक अगर आप चाहो तो ले सकते हो। फार्मा बायोटेक्नोलॉजी दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एमटेक है ये, एमटेक फार्म। बायोफार्मास्यूटिकल्स थोड़ा सा कोर है, रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। अच्छा यहाँ पे सीट इंक्रीज हुआ इस बार। ओके, मेडिकल डिवाइस की बात करूँ तो इसका तो इस बार कट ऑफ भी अलग से आया है, एग्जाम भी अलग से हुआ है, क्वालिफाइड लोग भी अलग से हैं स्टूडेंट्स, तो जिनको जो मिले हैं वो सारे अप्लाई करना। अब तो इन्हीं के इसी के लिए एग्ज़ाम दिए हो तो अब सभी को अप्लाई करना है इसके लिए। और एमबीए फार्म में ऑब्वियसली जिनका टारगेट है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एमबीए फार्म में सीट है यहाँ पे 30, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 47, बाकी में नहीं है, ठीक है। 30, 42 तो सीट्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे मैं अगर टोटल करूँ तो 47 प्लस यहाँ पे है 42 प्लस यहाँ पे है 30, तो हमारा कुल मिलाकर सीट हो गया यहाँ पे 109, 119 सीट है। 119 सीट के लिए आप लोग मिनिमम 400 रैंक तक मैक्सिमम आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो मास्टर्स के टोटल सीट हमारे कितने हो रहे हैं, 1158। ये जो काउंट है ये कुछ कम नहीं है, मतलब ठीक है, पिछले बार से इधर उधर करेंगे तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके ठीक ही है इस बार का 1158। आप मान के चलो कि अगर हमारे पास मतलब इतने सारे सीट से मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स का होगा, कुछ तो यहाँ पे कुछ आईआईटी बीएचयू में जाएंगे, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कुछ ड्रॉप देंगे, बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो 1400-1500 तक आप लोग अगर है तो अप्लाई करो ज़रूर, ओके, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब कास्ट के हिसाब से आप लोग अपना अपना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अब इसके नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के चाहिए जल्दी जल्दी कॉमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।